सऊदी अरब में पहला दिन सुबह उठे तो खान जी ने बोला कि चलो चलते नाश्ता लाने दें। तो नाश्ते के लिए जा रहे, मैं सुबह किस टाइम उठाऊँ आप लोग को पता है, मैं 4 बजे उठाऊँ क्योंकि मेरे अंदर अलार्म लगा हुआ है जिसे मैं पाकिस्तान में 7-8 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 बजे उठाऊँ क्योंकि 2 घंटे पीछे है सऊदी अरब पाकिस्तान से, तो इस वजह से बहुत जल्दी उठाऊँ। तो खान जी ने कहा चलते हैं नाश्ता लाए, तभी जा रहे हैं नाश्ता लाने के लिए। ये इनका दे रहा है, हम कोई 7 स्टार होटल्स में नहीं आए, ये गरीब खाना यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी और हमारे मुसाफिर ऐसे लाइफ गुजारते हैं। और यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है, मैंने बाल भी नहीं धोए, मुंह भी नहीं धोया, सिर्फ ब्रश किया और निकला हूँ। तेरा शहर है 5। देख देख हाँ जी पाकिस्तानी कितनी करेंसी का चेंज करता है। सौ रुपये हुए खान जी, रुपये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी 2000 रुपये पाकिस्तानों को खाना मूंग बारा भाई परियाल मियाल ना पेगा साथ मूंग पाकिस्तानों को ऐसे ही साथ दे। हाँ जी दा कर सकवा पत्थरों को बरा ले ना पत्थरा पत्थरों को बरा ले हल देखी यार डेरा ज्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है सुबह के टाइम बात फिर नहीं होती ना खान और गर्मी। हाँ ये सुबह के अभी 7-8 बज रहे हैं, इतनी गर्मी है तो जब दोपहर को यहाँ पे कितनी गर्मी होगी। और आज खान जी बोल रहे हैं कि मामू लोगों ने इन्वाइट किया हुआ है तो वहाँ पर भी जाते हैं। पराठे के लिए शुक्र रहा खान जी की लिवाल काम करता है, स्कोर उठाए कि चलो पराठे लेके जाते हैं, अभी पराठे लेके जाते यहाँ से। अरे कौर पहचान पराठी हाँ खान जी पराठे खता बता किले पर नंबर के दे हमारा नाश्ता आ गया, अंडा मलाई हलवा और दाल माश, ये सारे हमारे पाकिस्तानी हैं और ख़ास कर पठान है एक जो है ना ये सियालकोट से आपका अटक से, ये बाकी सारे अटक से अटक खैराबाद ना देखा ना। जुम्मे का दिन है, मामू ने फ़ोन किया है तो खान जी बोल रहा है कि जाते हैं मामू के पास, तभी जाते हैं वहाँ पे नमाज भी वहाँ पे पढ़ेंगे और उनके साथ मिलेंगे भी। तो बस अभी नहा लिया मुँह हाथ धो लिया, अभी निकल रहा है। दस था पैसे खेजे तो काटते बैंक ना आदल बैंक ये अभी खान जी बैंक आया है, हमारे पाकिस्तान की तरह बैंक नहीं है, बस इसमें आपने पैसे जमा करने होते हैं।
मैं जिस तरह पाकिस्तान में बंदा बैठता है गाड़ी में उसी तरह बैठा था, और खान जी मुझे बातें बता रहा था कि यहाँ पे कैमरे लगे फलाना ढिंगा, तो उसको उसने मेरी तरफ देखा कि मैंने बेल्ट नहीं लगाया, तो उसने कहा कि अगर आप बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पे चालान मिलेगा। कैसे चालान? बेल्ट बंद पर छोर गए, तो मैंने डायरेक्ट बेल्ट लगा लिया। मैंने कहा सोने चालान होता 150 रियाल का यहाँ पे चालान होता है अगर आप बेल्ट नहीं लगाते। हमारे पाकिस्तानियों ने कैसे जुगाड़ किए होते, यहाँ पे दुपट्टा बांधा होता और दुपट्टा इधर बांध देते बस खत्म। बाकी सऊदीया पाकिस्तान की तरह प्यारा नहीं है, पाकिस्तान बहुत प्यारा है और सऊदी इतना नहीं है, बस रोड इसकी अच्छी है, बाकी इतना खास सिपत में घुमा खुना वाले तरीका ना माँ वो सो मतलब दोनों दागाजी ने पकने से कैसे दे रहे मैं मामू लोग देख मामू चटनी बना रहा है वोटा कहो मामा जी मामा जी वोटा कहो। ये माँ आप और ये खान मामा ये उनका देरा जा नमाज उठाए सारे जा रहे नमाज पढ़ने के लिए। सारे अभी जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, ये सारे हमारे फैमिली वाले, ये मेरा मामू है सबसे छोटा। हनुमा मंदिर डेढ़ ज्यादा गर्मी ना था لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا। यहां पर इतने ज्यादा लोग होते कि आपने रोड पर नमाज पढ़नी होती है, मतलब खान मामा बड़े रोड में तो है ना, बड़े रोड वाली है। अभी हम यहां पे रोड पे नमाज पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है, ये देखें। चलो फिर नमाज पढ़ के मिलते हैं। अशरा पढ़ रहे हैं खबर दे खान मामा दबुट माई सी मार्ग खबर कितना देगा। हमारा खाना हो गया रेडी, वोड़ी दिया था लोबिया तो आज असल वोड़ी दिया असल। तो ये है दही और ये है लस्सी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता तो मैंने कहा लस्सी से ही। आज ही सेब सुशवा लस्सी चल के और यहाँ पे खाते हैं लोग इसको क्या बोलते हैं खबस खबस। ये यहाँ की रोटी है, इसको गर्म नहीं करना पड़ता, इसको ऐसे ही करना होता है। घर में नहीं घर में बोल रहे रहे हैं पाकिस्तानी रात के 11 बजे। खान जी जा रहा था
काम पे अपने ट्रेले में, और मैं वैसे यहाँ पे बोर हो रहा था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मैंने एंडिंग की हुई थी, लेकिन मैंने खान जी से कहा यार मैं, मुझे वैसे भी नींद नहीं आती, मैं आपके साथ जाता हूँ काम पे, ताकि वो कौन सी जाए। तभी खान जी ने स्टार्ट की अपनी गाड़ी, मैंने कहा यार मैं भी चलता हूँ आपके साथ। खेतों ने खड़े थे बदी को यार, ये देखो तो पूरा घर है हमारे सबुर का, छह मिले सबसे पहले अपनी चाय रखते हैं, फिर अपना बैग रखते हैं, यार कसम से खान जी तेरे मोटर से तो ये ट्रेला अच्छा है, ये देखे ओए होए होए होए, ये तो चस आ गई कसम से। अब इसको मैं लाइट बंद करके उसको अभी साइड ग्लास में कुछ दिखेगा नहीं। मैं सुबह से इधर उधर जा रहा था, उसमें मजा नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें बैठ के जो मजा आता है ना, क्या बताओ यार। ये आप देख, इतनी खुली हुई गाड़ी है, गाड़ियों से अच्छी है। रुको मैं फ्लैश लाइट बंद कर देता हूँ वीडियो की, ताकि आप लोग को ये देख इसके इंटीरियर देखें, अपना ड्रेस कर रहा है, क्योंकि अंदर जाने की ये ड्रेसिंग है, इसके बगैर आप नहीं जा सकते। तभी यहाँ पे खान जी का लोड जो है वो 12 बजे पे शुरू होता है, 12 बजे इसका लोड है, तो जैसे इसका लोड होगा, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, क्योंकि हराम को है, हराम को तो जिनको पता है उनको पता है कि अंदर कैमरा वगैरह चीज़ अलाउड नहीं है। तभी बस इसका वेट करते और फिर सीधा जाते हैं इसके डेरे। तो चलो छोकरा, بس انتظار کو علاقا سبب ملاوی کو بس خلش پی نا وقت ایتو خوگ لو خوب ورغل بس ویڈیو بندو مہا بس ڈیر ویڈیو گانی میں دو